हेलो एवरीवन, मैं हूँ गीतिका और आपका स्वागत है मेरे चैनल गीतिकास किचन एंड लाइफस्टाइल में। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि वेट लॉस है, और सभी इस चीज़ से बहुत परेशान रहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो खुद ही इतनी मोटी हूँ, मैं क्यों आपको ये सलाह दे रही हूँ। तो पहले मेरा वेट और भी ज़्यादा था, तो मैंने अभी वेट रिड्यूस किया है, और मैंने किस तरह से किया है, छोटे छोटे चेंजेस किए हैं मैंने लाइफ में, और ये वेट मैंने रिड्यूस किया। अभी और भी मुझे करना है, अभी मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ही ये वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू करूं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वेट लॉस टिप्स के बारे में जो आप डेली लाइफ में अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके ला सकते हैं, और आप ये कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस से ही अपना काफ़ी सारा वेट रिड्यूस कर सकते हैं। तो कैसे आपको ये रिड्यूस करना है मैं आपको बताऊंगी। तो पहले तो आप ये सोच रहे होंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मैम खुद ही इतनी मोटी है, ये क्या हमें कुछ बताएंगी वेट लॉस के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था। मेरा वेट 75 प्लस था, बट रिसेंटली मैंने अपना वेट लॉस किया है 5 kg। तो वो मैंने सिर्फ अपने कुछ बॉडी के चेंजेस से ही मैंने रिड्यूस किया है, और मैंने कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, अपनी डाइट में कुछ चेंजेस किए, उसी के वजह से ही वेट लॉस हो जाता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका भी वेट लॉस हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है लॉट्स ऑफ वाटर। पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना है, बहुत ज़्यादा मीन्स आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 3 से 4 लीटर पानी दिन में पीना ही पीना है। अगर आपको पानी पीना अगर इतना पसंद नहीं है तो आप उसको नींबू पानी के फॉर्म में ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप ब्लैक टी ले सकते हैं, तो उसके फॉर्म में भी आपकी बॉडी में पानी जाता है। तो फ्रूट्स आप ले सकते हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे वाटरमेलन हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी वगैरह, ये आप ज़्यादा खाइए, तो उससे भी आपकी जो बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। तो पानी आपको ज़्यादा पीना है, और हर एक घंटे में थोड़ा 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 अगर आप पियेंगे तो आपका वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। और सुबह के टाइम आपको ज़्यादा पानी पीना होता है, शाम के टाइम आप कम पानी पियेंगे तो भी चलेगा, पर सुबह आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। ब्रेकफास्ट तक आपका 1 लीटर पानी हो जाना चाहिए। पानी के लिए आप डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं। डिटॉक्स वाटर काफ़ी सारी रेसिपीज आपको चैनल पे मिल जाएंगी, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी आपको, तो आप डिटॉक्स वाटर यूज़ कीजिए, उससे भी बॉडी का जो है वो क्लिंजिंग हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, और वो भी वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। तो मॉर्निंग में जब भी आप पानी पीते हैं तो कोई आप ऐसा हर्बल ड्रिंक ले सकते हैं, चाय कॉफ़ी छोड़ के आपको पानी पीना है सिर्फ, सबसे पहली बात। तो पानी अगर आपको नॉर्मल पानी नहीं पीना है तो आप उसको थोड़ा सा वार्म कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद डाल के आप ले सकते हैं। तो और ये सारे जो ड्रिंक्स होते हैं ये आपको हमेशा नहीं लेना है। नींबू पानी आप लेते हैं तो आपको 1 महीना लेना है, फिर उसके बाद ब्रेक लेना है, और फिर उसके बाद दूसरा कोई ड्रिंक चालू करना है। आप हर्बल ड्रिंक में जैसे धनिया वाटर ले सकते हैं, अजवाइन वाटर ले सकते हैं, मेथी सीड्स वाटर ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपके स्किन और आपके हेयर ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको एक दिन आपने धनिया वाटर ले लिया, फिर आपने एक दिन जीरा वाटर ले लिया, एक दिन अजवाइन वाटर ले लिया, तो इस तरह से आप करेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी बॉडी में किस तरह से कौन सी चीज असर कर रही है, कौन सी चीज नहीं कर रही है। अगर आप डेली कुछ अलग अलग कर रहे हैं, जैसे एक बार मैंने अजवाइन वाटर लेना स्टार्ट किया था कोई यूट्यूब चैनल पर देखकर, तो पर अजवाइन जो है मुझे सूट नहीं कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, और मेरी बॉडी में काफ़ी हीट होने लगी थी, और जिसकी वजह से मुझे कुछ स्किन इश्यूज हो गए थे। तो और वो टाइम कोविड का था, तो कोविड के टाइम हम लोग काफ़ी काढ़ा वाढ़ा ये भी पी रहे थे, तो उस टाइम पर मुझे काफ़ी स्किन के इश्यूज होने लगे थे। फिर मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने खुद ही एनालाइज किया कि मुझे ये किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैंने जब दोबारा अजवाइन स्टार्ट किया लेना तो वापस से मुझे वही प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए मैंने अजवाइन लेना बंद किया। तो अजवाइन वाटर गर्म होता है तासीर में, उसको आप विंटर्स में ले सकते हैं, विंटर्स में बहुत अच्छा है अजवाइन वाटर। और बाकी जो ड्रिंक्स हैं जैसे सौंफ, जीरा भी गर्म होता है पर इतना नहीं होता है, तो सौंफ ले सकते हैं, जीरा ले सकते हैं, मेथी वाटर ले सकते हैं, धनिया सीड वाटर ले सकते हैं। धनिया सीड वाटर बहुत अच्छा है, मैं भी लेती हूँ क्योंकि मुझे थायराइड है और थायराइड पेशेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। तो धनिया वाटर ज़रूर लें आप अपने मॉर्निंग ड्रिंक में, उसे बस एक डेढ़ गिलास पानी में थोड़ा सा बॉइल कर लेना है 5 मिनट के लिए, बॉइल करके छान के आपको ले लेना है, दैट्स इट।
फिर सेकेंड पॉइंट पे आता है आपका जो आपका दिन भर का जो आपका डाइट है, प्लान है, डाइट कोई डाइट फॉलो नहीं करनी है आपको, आपको कोई भी डाइट ऐसे फॉलो नहीं करनी, आप अपना डाइट खुद अपने हिसाब से बनाइए, जैसा भी आपके घर में जो भी बनता है आपको वही सब खाना है, बस आपको पोर्शन कंट्रोल करना है। तो डाइट प्लान के लिए आप एक पेपर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और उसमें अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम जो है ऐसे बना सकते हैं कि ब्रेकफास्ट आपको कब करना है, आपको लंच कब करना है, आपको डिनर कब करना है। तो ब्रेक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बस आपको जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो 7 बजे तक आपका ये पानी वानी का सब हो जाना चाहिए, पानी वानी पी लिया आपने, उसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के पहले अगर आप ब्लैक कॉफी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी इंस्टेंट एनर्जी देती है बॉडी को और बूस्ट करती है, तो आप सुबह ब्लैक कॉफी ले सकते हैं 1/2 कप, उसके बाद आप एक्सरसाइज कर लीजिए और उसके बाद 9 से 10 बजे के बीच आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, तो इतना टाइम इनफ होता है। इससे ज़्यादा आपको 10 बजे के बाद आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए, ब्रेकफास्ट कोशिश कीजिए 8-9 बजे या 10 के पहले ही आपको कर लेना है। इसके बाद आप 10 बजे के बाद आप अपना रेगुलर जो भी काम है वो कर सकते हैं, उसके बाद आप 12 बजे तक कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए, सीजनल फ्रूट जो भी अवेलेबल हो वो एक फ्रूट ले लीजिए। 12 बजे का टाइम आपका ये रखिए, अगर आपको भूख नहीं है, अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया है तो आप 12 बजे के टाइम नारियल पानी वगैरह ले सकते हैं या ग्रीन टी आप ले सकते हैं, और ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद भी आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है और ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो अगर आप 12 बजे आपको ज़्यादा भूख नहीं है तो आप नॉर्मल ग्रीन टी ले लीजिए या फिर पतला छाछ ले सकते हैं। इसके बाद आप 1 से 2 बजे का टाइम रखिए अपना लंच का, ये जो भी टाइम मैं बता रही हूँ आपको टाइम फिक्स कर लेना है, आपके ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक में 4 से 5 घंटे का ही गैप रहना चाहिए, मिनिमम 4 घंटे का रहना चाहिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, वर्किंग है तो चल जाएगा थोड़ा बहुत आगे पीछे, बट मिनिमम आपको मैक्सिमम आपको 4 घंटे का ब्रेक लेना चाहिए। तो 1 से 2 बजे का आप टाइम रखिए अपने लंच के लिए। तो लंच में आप एक रोटी ले सकते हैं, उसके साथ सब्जी लीजिए, सैलेड लीजिए, दाल लीजिए, छाछ ले सकते हैं। तो खाने में स्टार्टिंग में पहले सैलेड लीजिए, फिर सब्जी खाइए, दाल खाइए, फिर उस पर रोटी पे जाइए। अगर आपको राइस खाना है तो आप सिर्फ राइस खाइए, रोटी मत खाइए। रोटी और राइस को एक साथ कंबाइन करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोनों में ही कैलोरीज ज़्यादा होती हैं और रोटी और राइस को साथ में लेंगे तो बहुत कैलोरीज हो जाती हैं। तो जब भी आप खा रहे हैं लंच या डिनर, रोटी ले रहे हैं तो रोटी लीजिए और चावल ले रहे हैं तो चावल ही लीजिए। तो ये सब आपका ये लंच हो गया। फिर उसके बाद 4-5 बजे अगर आपको भूख लगती है तो आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, रोस्टेड चना ले सकते हैं, कोई सैलेड ले लीजिए या कोई फ्रूट ले लीजिए। फ्रूट 4-5 बजे तक आप ले सकते हैं, उसके बाद फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। फिर उसके बाद आप डिनर ले लीजिए अपना 7 बजे के अराउंड, तो 7 से 8 के बीच का आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर आप लाइट ले लीजिए, लाइट डिनर मींस आप उसमें दलिया की खिचड़ी ले सकते हैं, राइस की खिचड़ी भी ले सकते हैं, ओट्स की खिचड़ी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं है तो आप सूप वगैरह ले सकते हैं या रोस्टेड पनीर ले सकते हैं आप, या फिर आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना मील प्लान कर सकते हैं। और सोने से पहले अगर आपको भूख लगती है तो आप 1 गिलास हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। तो ये नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल मैंने आपको एक टाइमिंग बताई कि आप एक अपना प्लान बना लीजिए। इस तरह से अगर आप एक पेपर और पेपर में पेन से लिख लेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि आपको कब कब क्या क्या लेना है, और आप अपने फ्रिज पे उसे मैग्नेट से चिपका दीजिए तो वो हमेशा आपको दिखेगा और आपको समझ में आपको याद रहेगा कि आपको कब कब क्या क्या लेना है। तो इस तरह से टाइम का बराबर ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है वेट लॉस के लिए। तो वेट लॉस के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको हर काम ग्रुप्स में करना पसंद है, जैसे अगर आप जिम जा रहे हैं, कोई डांस क्लास आपने ज्वाइन की है तो आपको ग्रुप में करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इसी तरह अगर आप एक वेट लॉस का ग्रुप बना लेते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसमें जितने भी लोग हैं जो वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने उन फ्रेंड्स को आप ऐड कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को ऐड कर सकते हैं और उसमें जो भी अपने हेल्थ से रिलेटेड जो भी टिप्स हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती थी, मैंने भी एक ग्रुप बनाया था, उसमें मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स और कुछ अपने फ्रेंड्स रखे थे सर्कल के, तो हम लोग उसमें शेयर करते थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, चलो वॉक स्टार्ट करते हैं कल से, चलो ये क्लासेस ज्वाइन करते हैं, आज तुमने क्या खाया लंच में, आज हमने क्या खाया, आज क्या बना रहे हो, तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने थे। एक दूसरे से मोटिवेशन मिलती है हमें, और वेट लॉस में सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए, आप एक ग्रुप बना लीजिए और उसमें अपने हेल्थ से रिलेटेड ज़रूर फॉलो कीजिए ये टिप्स। 4th पॉइंट है,
32 बार फॉर्मूला, ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। और आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको स्वीकार सर जी का एक फॉर्मूला मिलेगा जिसे 32 बार फॉर्मूला कहते हैं। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप बहुत इजीली वेट लॉस कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है आपको, आपको जो खाना है उसके हर एक बाइट को 32 बार चबाना है कम से कम, और बहुत स्लोली आपको खाना खाना है। एक रोटी को खत्म करने में कम से कम आधा घंटा आपको लेना है, इतना स्लोली आपको खाना है। जैसे एक छोटे बच्चे को खाना खिलाते हैं उसी तरह से आपको अपना खाना जो है धीरे 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 खाना है। पानी अगर आप बीच में पीना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं, वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के एक घंटे बाद पानी पीना चाहिए। ये सभी को मालूम है, खाने से आधे घंटे पहले पानी ले लीजिए आप एक गिलास, और खाने के एक घंटे बाद आप कोई गर्म पानी लीजिए या ग्रीन टी लीजिए। तो 32 बार फॉर्मूला ऐसे वर्क करता है कि धीरे धीरे जब भी आप खाना चबाते हैं आपका, एक तो पहले बात आप ये चीज समझ लीजिए कि जो आपके दांत होते हैं वो आपके मुंह में होते हैं, आपकी आंतों में नहीं होते हैं। तो खाना जो है वो डाइजेशन का काम मुंह में मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर बाद में वो हमारे पेट में जाता है। तो आप जितना अच्छे से उसको चबाएंगे उतने अच्छे से सलाइवा आपके मुंह में मिक्स होके आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। तो अपना जो भी आप खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, अपने ब्रेकफास्ट की खा रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, कुछ भी चबा रहे हैं आप, फ्रूट्स भी खा रहे हैं, कोई भी फ्रूट खा रहे हैं आप, कितना ही सॉफ्ट क्यों ना, आपको अच्छे से च्यू करना है, उसके बाद ही आपको निगलना है। तो ये आप मेरी ये ट्रिक मान लीजिए, ये करके देखिए आप, आपको 10 दिन में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। अगर आपका वेट नहीं भी लॉस हुआ तो आपका टमी एरिया जो है वो आपको लाइट लगने लगेगा, पेट लाइट लगने लगेगा, आपकी पूरी बॉडी आपको लाइट लगने लगेगी। तो बिलीव करिए मुझ पे, और ये 32 बार का जो फॉर्मूला है इसे आज ही, आज से ही अपनाना शुरू कर दीजिए। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जो हम आजकल सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं, इंस्टाग्राम पे इतने एक्टिव रहते हैं, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे काफी सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड रहते हैं, तो वो पेजेस को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। आपको काफी सारे ऐसे पेजेस मिल जाएंगे जो इंस्टाग्राम पे होते हैं, जिसमें काफी सारे लोग जो है हेल्थ टिप्स देते हैं, एक्सरसाइज से रिलेटेड टिप्स रहते हैं, फूड से रिलेटेड टिप्स रहते हैं। तो ये सभी पेजेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जब भी आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको यही सब चीजें दिखेंगी कि ये एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, ऐसे खाना है, वैसे खाना है। तो आपको ये सब चीजें अपने जब चारों तरफ से आपको दिखने लगेगी तो आपको अंदर से खुद ही मोटिवेशन आ जाएगी कि आपको वेट लॉस करना ही है। फिर जैसे आप अपना वेट 15 डेज में चेक करते हैं तो उससे भी अच्छा रहेगा। उसमें क्या होगा, आपको जैसे कई बार होता है कि वेट एकदम से ऐसा नहीं होता कि एक दिन में बढ़ गया, एक दिन में कम हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो वेट को कम से कम 15-20 डेज का आप टाइम दीजिए अपनी बॉडी को, उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक डाइट मेंटेन रखिए अपने 1-2 वीक तक, और फिर आप चेक करें तो आपको समझ में आएगा कि आप जो चीज़ें खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को सूट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो और अगर आप रोज़ रोज़ चेक करते हैं ना तो क्या होता है, हमको स्ट्रेस आ जाता है। जैसे अगर एक दिन आपका वेट 60 kg बता रहा है और नेक्स्ट डे आपका 61 या 62 बता रहा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप टेंशन में आ जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे, और स्ट्रेस की वजह से आपका वेट और बढ़ जाएगा, तो वो भी सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको महीने में 1-2 बार ही अपना वेट चेक करना है। आप कोई भी दिन फिक्स कर लीजिए, या 10, 20, 30 ऐसे आप डेट डिसाइड कर लीजिए और उसी डेट पर अपना वेट चेक कीजिए। आपको ये भी रहेगा मन में कि अरे मुझे उस दिन चेक करना है, मुझे आप ध्यान देना है अपनी डाइट पर, तो आप उस तरह से अपना जो है 6th पॉइंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये आजकल बहुत ही फेमस है और बहुत ही अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आपको एक दो टाइम विंडो रहती है, एक टाइम विंडो में आपको खाना खाना है, एक टाइम विंडो में आपको फास्टिंग करनी होती है। तो फास्टिंग का जो टाइम है मोस्टली लोग 16/8 का करते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको 16 hours तक फास्ट रखना होता है और 8 hours का आपको विंडो मिलेगा जिसमें आपको खाना खाना है। तो आप जैसे अगर रात में आपने 8 बजे डिनर किया तो आप 8 बजे डिनर करने के बाद उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे उठेंगे, नेक्स्ट डे आपको सिर्फ पानी लेना है। 8 बजे से नेक्स्ट डे का जो 12 बजे का टाइम रहेगा, दोपहर का लंच टाइम, वहां तक आपको नहीं खाना है। तो जैसे 8 बजे डिनर किया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 बजे आपके 12 घंटे हो गए, और फिर 4 घंटे और जोड़ लीजिए उसमें 12 बजे तक, तो 12 बजे तक आपको सिर्फ पानी पीना है। तो इस तरह की फास्टिंग से भी काफी असर होता है, काफी वेट लॉस होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मैं डिटेल वीडियो फिर कभी बनाऊंगी, अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है अगर आप 2-3-4 किलो वेट लॉस करना चाहते हैं और अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इससे भी मैंने एक बार ट्राई किया था, इससे भी मैंने 2-3 किलो वेट कम कर लिया था, और जो हमारा टमी एरिया होता है ये भी काफी रिड्यूस हो जाता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से। पर उसको आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है 16 आवर्स पे। जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले
12 घंटे से स्टार्ट करना है। जैसे आपने रात को 8 बजे डिनर किया तो नेक्स्ट डे आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जैसे ये 12 घंटे की टाइम हो गई विंडो, उसके बाद आप धीरे धीरे 13 घंटे पे जाइए, 14 घंटे पे जाइए, 10 बजे तक आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए फर्स्ट मील, फिर उसके बाद आप 11 बजे फर्स्ट मील लीजिए, फिर उसके बाद आप 12 बजे पे जाइए। तो इस तरह से आपको 12 घंटे से स्टार्ट करते हुए धीरे 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 16 आवर्स पे जाना है। एकदम से अगर आप 16 आवर्स का फास्टिंग कर लेंगे तो ये आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगी और ये काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम्स होने लगेंगे। तो एकदम से जंप नहीं करना है, धीरे 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 अपने बॉडी को एडजस्ट करने दीजिए, उसके हिसाब से फिर आगे का प्लान कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेइंग स्केल। आप अपना वेट जरूर मेजर कीजिए कि आपका वेट कितना हो रहा है। कई बार कई लोग वेट मेजर ही नहीं करते हैं कई कई दिनों तक और उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनका वेट जो है बढ़ता ही जा रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि लोग अपना 90 kg वेट 100 kg वेट कैसे कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें पहले ही समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप 50-60 kg के हैं और अगर आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट गेन हुआ है तो आपको प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद से अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप उस टाइम ध्यान नहीं देंगे प्रेगनेंसी के बाद तो ये वेट बढ़ता ही जाएगा और फिर ये कम नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की देखभाल के साथ हम लोग अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी में आप अगर ध्यान दे देंगे तो आप ये वेट रिड्यूस आराम से कर सकते हैं। तो अपने वेट को उतना बढ़ने ही मत दीजिए, 50-60 70 उसकी कोशिश कीजिए कि आपका जो वेट है वो मेंटेन रहे आफ्टर प्रेगनेंसी में। तो वो ज़्यादा तो मैं बात कर रही थी वेट स्केल के बारे में। कब कहते हैं कि वेट आपको रोज चेक करना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि आपको महीने में 1-2 बारी चेक करना चाहिए। तो दोनों भी जो है ऑप्शन दोनों भी सही हैं, मैंने दोनों ट्राई करके देखे हैं। तो क्या होता है ना, जैसे हम वेट रोज अपना मेजर करते हैं तो हमको समझ में आता है कि कल हमने कितना खाया, कितनी कैलोरीज ली। अगर हमने एक दिन पहले छोले भटूरे लिए हैं तो उससे कहीं हमारा वेट तो नहीं बढ़ गया है, तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कल हमने कौन सी डाइट ली थी, अच्छा कल मैंने हल्का लिया था, लो कैलोरीज डाइट ली थी तो आज मेरा वेट कम हो रहा है। तो इससे आपको खुद ही सेल्फ मोटिवेशन मिलती जाएगी और खुद ही आप मेजर कर सकते हैं। एक पेपर पे आप खुद ही मेजर करते जाइए कि आज ठीक है आपने कल इतना खाया था तो आज आपका वेट इतना दिखा रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे नेक्स्ट डे क्या खाना है क्या नहीं खाना है या मुझे किस तरह से डाइट अपना प्लान करना है। तो घर में जो भी बनता है आप वही सब खाइए, अलग से अपने लिए बनाएंगे तो आपके लिए वो डाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी घर में बनता है वही सब आप खाइए, घर में भी सबको वही खिलाइए। और जो चीट डे है वो एक दिन करिए, एक दिन मींस वीक में कोई भी एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि आपको चीट डे कब करना है। जैसे आप संडे अगर डिसाइड करते हैं तो संडे को ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप चीट डे करते हैं, तो पूरा दिन आपको चीट डे नहीं करना है, आपको सिर्फ चीट एक मील चीट करना है। तो आप अगर कोई भी आपको चीज़ की क्रेविंग्स हो रही है, जैसे आपको पाव भाजी की क्रेविंग हो रही है, आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है या किसी भी ऐसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, जंक फूड की क्रेविंग हो रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप एक लिस्ट बना लीजिए। उसमें एक लिस्ट में अपना नोट करते जाइए कि मुझे छोले भटूरे खाना है, मुझे पाव भाजी खानी है। और उस दिन आप संडे के दिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लंच में बनाइए, लंच में लीजिए और घर का बनाइए, घर का खाइए। एटलीस्ट उसमें अच्छा ऑयल यूज होगा, अच्छे मसाले यूज होंगे। बाहर का खाना खाएंगे तो आपका वेट फिर से गेन हो जाएगा। तो जो भी आप खा रहे हैं घर का बना हुआ खाइए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो चीट मील करने से क्या होता है कि आपका जो आपकी जो क्रेविंग्स है वो शांत हो जाती हैं और फिर आपको उस चीज़ का फिर मन नहीं करेगा। आप थोड़ा सा भी खा लेंगे तो आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अगर आप वो चीज़ को अगर आप ऐसा डाइट कर रहे हैं जिससे आपको ये सब चीज़ों से दूर रहना है, महीनों तक दूर रहना है, तो ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलता है। तो धीरे धीरे वो क्रेविंग्स बढ़ती जाती हैं और फिर एक बार ऐसा टाइम भी आ जाता है कि आप सब छोड़ छाड़ के कि भाई छोड़ो यार खाओ पियो ऐश करो, ऐसा हो जाता है। तो फिर वो चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए अभी आपने जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं उसमें एक दिन ऐसा रखिए जिसमें आप चीट मील कर सकें। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोटी। तो रोटी आप जो भी बना रहे हैं, ज़्यादा करके लोग गेहूं का आटा यूज़ करते हैं तो गेहूं के आटे में बहुत ग्लूटन होता है। तो अगर आप दूसरा आटा यूज़ करेंगे तो उससे भी काफ़ी आपको वेट लॉस में फ़र्क दिखेगा। तो आप जैसे गेहूं का आटा अगर आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो आप मिक्स आटा बना सकते हैं। जैसे गेहूं का आटा आपने 1 कप ले लिया, 1 कप आप ज्वार का आटा ले लीजिए, 1 कप बाजरे का आटा ले लीजिए। इस तरह से सब चीज़ों को मिक्स करके आप 2-3 आटे को मिक्स करके मल्टीग्रेन आटा बना के आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेन आटे से क्या होता है, थोड़ा सा रोटी जो है अच्छे से चबाई भी जाती है, आप चबा सकते हैं वो रोटी को अच्छे से 32 बार, और उसके बाद आपका जो पेट है ना एकदम फुलफिल हो जाता है। आप एक रोटी खाएंगे आपको एकदम भरा भरा लगेगा पेट, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है
जो ज्वार का आटा होता है, बाजरे का आटा होता है, नाचनी का आटा होता है, कुछ नहीं है तो आप थोड़ा सा ओट्स को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिए और उसे अपने गेहूं के आटे के साथ मिक्स कर लीजिए। तो आप किसी दिन ओट्स की रोटी बना सकते हैं, किसी दिन आप नाचनी का आटा मिक्स करके बना सकते हैं। तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से बनानी है। और कभी आप बीट रूट जो होता है उसको किस कर उसको ऐड कर लीजिए अपने आटे में। कभी बीट की रोटी बना ली, कभी पालक की प्योरी ऐड करके आप पालक की रोटी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको सब्जियां ज्यादा उसमें ऐड करके आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो लौकी का भी घिस कर आप डाल दीजिए आटे में। तो इस तरह से आपको सब्जी ज्यादा खाने को मिलेगी तो आपका जो वेट रिड्यूस का जो प्रोग्राम है वो अच्छे से चलेगा। और आपका जितने ज्यादा आप फाइबर लेंगे उतना ज्यादा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। और अपनी डाइट से थोड़ा सा ऑयल कम कर दीजिए और थोड़ा सा नमक कम कर दीजिए, इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। जो अपनी बॉडी में जो वाटर रिटेंशन होती है ना, बॉडी जिन लोगों की ऐसे फूल जाती है तो काफ़ी सारा तो वो वाटर रिटेंशन होती है और वो सॉल्ट की वजह से होती है। तो आप थोड़ा सॉल्ट कम कर दीजिए, थोड़ा सा मीठा कम कर दीजिए तो आपको बहुत जल्दी फर्क दिखेगा अपनी बॉडी में। एक दिन आप सॉल्ट फ्री डे जरूर करिए। सॉल्ट फ्री डे मींस आपको एक दिन ऐसा आपने डिसाइड करना है अपने वीक में जिसमें आप सिर्फ बिना नमक का खाना खाएंगे। बिना नमक का खाना खाना मींस जो भी आप खा रहे हैं, आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो भी आप खा रहे हैं उसमें नमक नहीं होना चाहिए। दाल, रोटी, राइस, सैलेड, जो भी आपको खाना है आपको नमक नहीं लेना है और आपको शुगर भी नहीं लेनी है। तो अगर आपको बीपी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मुझे बीपी लो का प्रॉब्लम रहता है तो मैं सॉल्ट फ्री डे नहीं कर सकती हूँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप सॉल्ट फ्री डे जरूर करिए। सब कुछ खा सकते हैं, बस आपको उस दिन सिर्फ नमक नहीं लेना है। नमक का इंटेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और बाकी के दिनों में कम नमक यूज करिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपनी जो डाइट है उससे शुगर को कट ऑफ करना। एकदम से कट ऑफ तो नहीं कर सकते हैं अगर जैसे हम डेली रूटीन में जो ले रहे हैं सब चीजें, तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू कीजिए उसको। जैसे आप शुगर ले रहे हैं तो शुगर को थोड़ा कम कीजिए, एक चम्मच ले रहे हैं चाय में आधी चम्मच कर दीजिए। और शुगर की जगह आप गुड़ वाली चाय लीजिए, वो भी बहुत अच्छी होती है। और अगर आपको गुड़ वाली चाय नहीं बनानी आती है तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत ही इजी है। आपको बस चाय बनाना है और गुड़ सबसे बाद में डालना है क्योंकि गुड़ कई बार ऐसा होता है दूध के साथ जाके वो खराब हो जाती है चाय। तो आप पूरी चाय बना लीजिए और गुड़ का पाउडर बाद में उसमें ऐड कर दीजिए। अगर आपको इसका पहले पहले टेस्ट पसंद नहीं आएगा पर धीरे धीरे आपको ये अच्छा लगने लगेगा। मैं काफ़ी टाइम से गुड़ वाली चाय यूज़ कर रही हूँ, मुझे अब शक्कर वाली पसंद नहीं आती है। तो गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी रहती है। गुड़ थोड़ा सा, शक्कर और गुड़ में कैलोरीज सेम रहती है पर गुड़ थोड़ा हेल्दी रहता है कंपेरेटिवली शुगर। तो आप गुड़ पर जाइए, जब भी आपको कोई मीठी चीज़ बनानी है तो गुड़ का यूज़ कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपको डेली एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। एक्सरसाइज में आप डेली जरूरी नहीं है कि आपको कोई एक्सरसाइज ही करनी है, आप योगा भी कर सकते हैं। योगा बहुत अच्छा होता है, उससे बहुत जल्दी ऐसा रिड्यूस तो नहीं होता है वेट, पर वो अंदर आपकी इनर बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा होता है, आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको अंदर से वो आपकी जो इनर हेल्थ होती है उसके लिए योगा बहुत अच्छा होता है। तो योगा जरूर ट्राई कीजिए। इसके अलावा आप डेली वॉक कर सकते हैं। वॉक से आप स्टार्ट कीजिए, 5000 स्टेप्स से आप स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसे इंक्रीज करते करते 10,000 स्टेप्स तक लेकर जाइए। तो अगर आप जैसे वॉक करना स्टार्ट करते हैं आपको लगेगा कि आपका वेट तो कम नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें एकदम से ऐसा नहीं है। आपका जो वेट है, आपको एक चीज़ समझना होगा, आपका जो वेट है वो एक दो दिन में नहीं आया है तो वो एक दो दिन में कैसे चला जाएगा। जितने टाइम उसको आने में लगा है आप कम से कम उससे कम टाइम उसे जाने में तो दीजिए। आपका जैसे 4-5 साल से वेट स्टक है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी एकदम से आपने वॉक करना स्टार्ट किया, अच्छे से डाइट फॉलो करना स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में चला जाएगा। वेट को जाने में भी टाइम लगता है, आने को टाइम नहीं लगता है, जाने में टाइम लगता है। तो अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए और रिलैक्स करके जो भी आप कर रहे हैं अपना एफर्ट्स डालिए, अपना डाइट पे ध्यान दीजिए, अपना एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। वॉक से स्टार्ट कीजिए, 5000 कीजिए, फिर आप उसको बढ़ाते हुए नेक्स्ट मंथ तक लेके जाइए 10,000 स्टेप्स तक, जितना आपसे हो सके। एक बार में 10,000 स्टेप्स नहीं होते हैं किसी के लिए, बहुत कम लोग होते हैं जो एक बार में 10,000 स्टेप्स करते हैं क्योंकि 2 घंटे लगते हैं मिनिमम 10,000 स्टेप करने में। तो आप एक एक घंटा वॉक से स्टार्ट कीजिए, 1 घंटा सुबह कीजिए, 1 घंटा शाम में कीजिए, और ना हो सके तो आधा आधा घंटा कीजिए, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम में। और डिनर के बाद बहुत ज़्यादा हैवी वॉक नहीं करना चाहिए, मतलब ब्रिस्क वॉक नहीं करना है डिनर के बाद, आप लाइट वॉक कर सकते हैं। तो डिनर के पहले वॉक पर चले जाइए अगर आपको ब्रिस्क वॉक करनी है तो।
और जो भी आपका कोई भी एक्सरसाइज हो, आपको अगर डांस करना पसंद है तो आप डांस कर सकते हैं, एक्सरसाइज एरोबिक्स कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, पर आपको डेली अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह खेल सकते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारा जो है कैलोरीज बर्न होती हैं। तो इस तरह से आपको डेली लाइफ में अपने एक्टिव रहना है, एक ही जगह बैठे नहीं रहना है। अगर आप एक ही जगह बैठे रहेंगे, आपके बॉडी को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो तो जाम हो ही जाएगा। तो इसलिए अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव कीजिए, हर आधे आधे घंटे में अपनी पोजीशन चेक कीजिए और चेंज कीजिए। अगर आप सिटिंग वर्क करते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर पर उठिए। अगर आपने पानी पीना है तो बॉटल पास में मत रखिए, बॉटल को दूर रखिए ताकि आपको उठ के जाना पड़े। मोबाइल पास में मत रखिए, मोबाइल को भी दूर रखिए ताकि आपको थोड़ा आने जाने में थोड़ा सा आपकी बॉडी को मूवमेंट मिले और कुछ ही सही पर कुछ कैलोरीज बर्न हो। तो लास्ट पॉइंट है हमारा पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल कैसे करना है, मींस आप जितना अभी खा रहे हैं रिसेंटली उससे थोड़ा सा कम कर दीजिए। पोर्शन कंट्रोल उसको ही बोलते हैं कि आप जितना खा रहे हैं उससे कम लीजिए। आपको दो रोटी की भूख है तो आप एक रोटी खाइए, आपको तीन रोटी की भूख है तो आप दो रोटी खाइए, इसको पोर्शन कंट्रोल बोलते हैं। और अगर आप राइस खा रहे हैं, राइस के साथ छोले खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, तो आप राजमा और छोले की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दीजिए, चावल की क्वांटिटी कम कर दीजिए। जैसे राजमा दो कटोरी ले लीजिए और आपका जो चावल है वो आधी कटोरी ले लीजिए, इसे पोर्शन कंट्रोल बोलते हैं। तो अगर आप पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगे तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट नहीं भरा है तो आप थोड़ी देर रुकिए, 10 मिनट रुकिए, 5 मिनट रुकिए, और आप सोचिए आपको ज़रूरत है उस खाने की, आपको लग रहा है कि आपको खाना चाहिए। आप थोड़ी देर बाद आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि आपका पेट जो है वो भर चुका है, आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर जैसे आप कोई भी खाना ले रहे हैं उसके साथ सैलेड ज़रूर खाइए, सैलेड खाएंगे और अगर आप उसके साथ छाछ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पेट भर जाता है, आपको ज़्यादा खाने की नीड ही नहीं रहेगी। और अगर आपको लगता भी है तो आप 2 घंटे बाद फिर से कुछ खा लीजिए। हर दो दो तीन तीन घंटे का गैप रखिए एक मील में, और आप थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे तो आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी और आपका जो फैट है वो भी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह से करके देखिए पोर्शन कंट्रोल करके, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और वेट लॉस से ज़्यादा फैट्स पर ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ फैट जमा हो रहा है। कुछ भी कीजिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, योगा करो, स्विमिंग करो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, पर आप ज़रूर कोई ना कोई चीज़ आप ज़रूर अपनी डेली एक्टिविटी में ऐड कीजिए और आप खुद ही देखेंगे कि आपको कितना फ़र्क दिखेगा। एक महीने में आप ये करके देखिए, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा आपकी बॉडी। तो ये थे मेरे कुछ हेल्थ टिप्स, कुछ हेल्दी हैबिट्स जो आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अपना 1 महीने में 4 से 5 किलो वेट लॉस कर सकते हैं, बिलीव कीजिए। और ये छोटी छोटी आदतें हैं ना, अपनी चेंज करके देखिए अपनी लाइफस्टाइल में, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।